गाइस हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल दिस इज सूरज गुड़गांव ड्रीम ब्लॉग्स। हम लोग आज खड़े हैं न्यू कॉलोनी में। ये हमारा जो कारपेट एरिया है ये है 900 स्क्वायर फीट और सुपर बिल्डअप एरिया है 1100 स्क्वायर फीट। आप देख सकते हो कि ये इसका जो आस्किंग प्राइस है इन्होंने रखा है 66 लाख रुपीज। लेट स्टार्ट द वीडियो। ये हमारा हो गया हॉल, ये हमारा लॉबी एरिया हो गया। अब मैं दिखाना चाहूंगा आपको ये 3 BHK है। हमारे जस्ट इधर ये फर्स्ट रूम हो गया, ये सेकंड बेडरूम हो गया और ये हमारा हो गया थर्ड बेडरूम। ये हमारा किचन हो गया, ये हमारा टीवी कैबिनेट हो गया और इसमें दो वॉशरूम है। एक कॉमन वॉशरूम यहाँ है और एक अटैच्ड वॉशरूम उसमें है। ये वाले बेडरूम अटैच्ड है। लेट स्टार्ट द वीडियो। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट बेडरूम, ये हमारा फर्स्ट बेडरूम हो गया। ये न्यू कॉलोनी में है आपको गुरुग्राम में। तो ये हमारा इसका फॉल सीलिंग हो गया, डिजाइन काफी प्यारा है। आपको जो ये यहाँ पे मिल रहा है ये वार्डरोब, तो इन्होंने काफी प्यारा सा दिया है डिजाइन इसमें, आप देख सकते हो काफी प्यारा है ये। और यहाँ पे इन्होंने लाइट ऑन कर दिया, तो ये इन्होंने सारा जो फिटिंग है सारा हिंडवेयर का ही दिया हुआ है। कमोड भी सारा हिंडवेयर का ही है और सारा कुछ इन्होंने ये वॉल आपको माउंटेड दिया हुआ है। कमोड सारा कुछ सारा फिटिंग जैगवार का ही है, शावर भी जैगवार का ही है। और ये इसका वॉक अराउंड में करा देता हूँ वॉशरूम में बड़ी। और ये इनका फ्लोरिंग हो गया और ये इसका हो गया, ये टेक्सचर वाला हो गया। और इन्होंने दिया ये हो गया कवर्ड हो गया, ये कवर्ड एरिया हो गया। मूविंग ऑन टू द बालकनी, ये इसका अच्छा मैं एक चीज बोलना चाहूंगा इसमें कि इन्होंने जो ये दिया हुआ है जो आपको नेट वाला जो डोर है ये भी काफी अच्छे क्वालिटी का इन्होंने लगा के दिया हुआ है। ये इसका हो गया मेन डोर, आप देख सकते हो काफी प्रीमियम क्वालिटी का ये। मूविंग ऑन टू ये इसका डोर हो गया, ये इसका बालकनी हो गया। बालकनी का डिजाइन भी देख सकते हो आप, काफी अच्छी क्वालिटी का है। ये दोनों रूम से अटैच है बालकनी। ये इसका लोकेशन हो गया, काफी प्रीमियम लोकेशन है, देख सकते हो आप। इन्होंने सारा टाइल ही दिया हुआ, यहाँ पे डिजाइन वर्क किया हुआ है। मूविंग ऑन टू द सेकंड बेडरूम, ये इसका सेकंड बेडरूम हो गया। वॉल सीलिंग का डिजाइन देखो काफी यूनिक डिजाइन है, आप देख सकते हो डिजाइन काफी यूनिक है। ये इसका वुडन टाइल लगा हुआ है, फ्लोरिंग भी काफी प्रीमियम है, अच्छा डिजाइन काफी अच्छा लग रहा है इसका। और सीलिंग का डिजाइन भी काफी प्यारा है। और ये इसका डोर हो गया, फर्स्ट रूम और सेकंड बेडरूम से अटैच्ड है ये बालकनी, सेम डोर ही है, मेन डोर। काफी प्यारा डिजाइन है डोर का, एलिगेंट डिजाइन है काफी।
सेम एक्सेस कर सकते हो आप। देख सकते हो एसी का प्रोविजन सारा दिया हुआ है यहाँ पे। ये इसका फ्लोरिंग टाइल हो गया बालकनी का। मूविंग ऑन टू दी थर्ड बेडरूम, ये इसका फॉल सीलिंग का डिजाइन हो गया हॉल का। ये इसका थर्ड बेडरूम हो गया, इसमें स्लाइडर वार्डरोब दिया इन्होंने। इसका ये फ्लोरिंग हो गया, ये इसका सॉफ्ट एरिया हो गया, यहाँ आप वॉशिंग मशीन कुछ रख सकते हो। काफी स्पेसेस है और ये स्लाइडर वार्डरोब हो गया। टॉप तक ये आपको ऊपर तक पूरा इंटैक्ट है। मूविंग ऑन टू द किचन, ये हमारा किचन एरिया हो गया। फॉल सीलिंग का डिजाइन देख सकते हो आप, काफी प्यारा है। सारा कुछ दिया हुआ है। पैंट्री एरिया हो गया, सारे बॉक्सेस दिए हुए हैं, आप देख सकते हो सारे बॉक्सेस दिए हुए हैं। सारे कटोरी में रखने के सारे कुछ दिए हुए हैं, इसमें सारा कुछ जितने भी डोर हैं सारे सॉफ्ट क्लोज हैं। सारे जैगवार के फिटिंग है, सिंक भी है, डिसेंट साइज का है। फ्लोरिंग देख लो आप, टाइल लगी हुई है। उस दोनों रूम में उडन का फ्लोरिंग किया हुआ टाइल का। ये हमारा कैबिनेट हो गया। तो ये था हमारा न्यू कॉलोनी गुरुग्राम सारा। अच्छा, मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा कि लास्ट ये हमारा हॉल के साथ जो अटैच्ड वॉशरूम है, ये इसमें सारा फिटिंग हिंडवेल का दिया हुआ है। सारे जयवान की फिटिंग है इसमें। एक बड़ी वॉक डाउन करवा देता हूं मैं आपको इसका। ये था हमारा न्यू कॉलोनी प्रोग्राम। सारा कुछ मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से चेकआउट कर सकते हो आप। ओके, बाय, टेक केयर।